अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वाई के कोटलोवर। दोस्तों आज मैं आया हूँ पुणे कोणों में एस एग्रो फीड्स पर, और हमारे साथ हैं यहाँ के ओनर आयन भाई और अबरार भाई। अस्सलामुअलैकुम। ये जो आपने यहाँ पर सेटअप लगाया है काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है जी, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आपने जो रेट लिखा है ना, हाँ। तो हमारे जो भी भाई आएंगे यहाँ पर कोई भी चीज़ परचेस करने के लिए, तो उन्हें सामने दिख के आएगा कि ये रेट यहाँ पर है, नहीं भाई, बोलना भी नहीं पड़ेगा। देखने में खूबसूरत नहीं, इंशाल्लाह कस्टमर लेने में भी खुश हो जाएंगे दाने के रेट सुन। तो कितने आइटम्स बताएंगे इस वीडियो में? इसमें तो 16 आइटम्स हैं। 16 आइटम्स हैं जी, जो दाने बकरों को लगते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो शुरुआत करेंगे भाई, इसके लिए स्टार्ट से ही करेंगे अपना एस वेट गेनर। हां, अपना प्रोडक्ट है एस वेट गेनर जी। फ्रॉम माइक ले लीजिए या भाई। हां, मिक्स फीड से शुरू करते हैं जी। ये अपना वजन बढ़ाने के लिए अच्छा है, 14 दाने डालते हैं। 14 दाने डालते हैं इसमें जी। और आपके सीक्रेट मसाले? यस, सीक्रेट मसाले। अभी क्या लोग क्या करते हैं, कोई मकई डालता है, कोई चना डालता है, वो तो प्रोटीन है। इसमें हम प्रोटीन के लिए दाने भी डाले, हाजमे के लिए पाउडर भी डाले, ग्रेन भी डाले जी। और ये काफ़ी वक्त से बना रहे हैं आप? हाँ। कितना वक्त हो गया अंदाजन इसको? इसको डेढ़ दो साल हो गए। अलहमदिल्ला अच्छा है, और ऑल ओवर इंडिया जा रहा है माल, ये ऑल ओवर इंडिया जा रहा है जी जी। और आप ऑफर भी रखते हैं उसके साथ में कुछ ना कुछ, तो ये बार क्या रखे आपने फीड के साथ में? ये बार अगर 25 केजी का जो बैग लेता है 1200 रुपए में आएगा जी। उसके ऊपर आपको सॉल्ट का पाउडर आएगा, सॉल्ट का पाउडर आएगा, हिमालयन सॉल्ट है। यस जी जी। तो पानी में मिक्स करके भी पिला सकते हैं, मिक्स करके पिला सकते हैं, या तो पत्ती पे मार के दे सकते हैं जी। और अगर 1 किलो कोई लेगा तो 50 रुपीस केजी है ना ये? हाँ, अगर लूज में लेगा तो 50 रुपीस केजी जी। अभी मक्के की बात करते हैं। मक्का जैसे कि भाई आज का मतलब आजकल नहीं, कई सालों से फार्मिंग में मक्का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की प्रॉब्लम थी ये रेट में नहीं आ रहा है, महंगा है ये है, तो हम लोग भी ट्राई किए कम से कम में लाने का इंशाल्लाह। और हर फार्म वालों को मक्का लगता ही है भाई जी। तो अपना जो आप रेट देख सकते हैं 25 रुपये पर केजी। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो है ना भाई घूनी का भाव है, 50 किलो की घूनी लेंगे तो जो लूज में लेंगे वो 1-2 रुपये बढ़ जाएगा। अच्छा, यानी कि जो 50 किलो की घूनी लेंगे उनको 25 रुपये मिलेगा, और अगर लूज हमारे भाई को लेंगे तो 1-2 रुपए बढ़ जाएगा जी भाई जी। और काफी दाने बड़े दिख रहे हैं, क्वालिटी की भी अच्छी है जी, जैसे बकरे को लगता है साफ माल वैसे ही माल है। कंकर वगैरह नहीं है? नहीं, कंकर वगैरह नहीं आएगा इंशाल्लाह, वेस्टेज नहीं आएगा इसमें जी भाई। अभी फिर ये मक्का टुकड़ा है, मक्का टुकड़ा है हाँ, 4 mm का मक्का टुकड़ा, अच्छी क्वालिटी का 4 mm का मक्का जी, जो बकरे को लगता है जी। तो ये क्या खिलाना बेहतर रहता है, जैसे कि कोई अक्का मक्का खिलाता है, कोई क्रश खिलाता है? हम लोग तो क्या है नॉर्मली जो है ना वेट गेन के लिए मिक्स फीड ही प्रीफर करते हैं, जो एक बकरे दो बकरे चार पांच बकरे जो पालते हैं उनके लिए बेटर है। बट जो फार्म वाले हैं जो पहले से कॉन्सेप्ट पे है दाने वगैरह, वो लोग शिफ्ट नहीं होते, तो वो लोग के लिए अपन और आसानी कर दिए और सस्ते में लाए जी जी जी। कॉस्ट कटिंग के लिए कोई क्या करता है, मतलब ये जो है ना बल्क में भी आप लेंगे ना तो यही भाव है। ओके, और आपको ये भाव इंशाल्लाह कहीं पे नहीं मिलेगा। मक्का 25 रुपये में मेरे को तो नहीं लगता भाई पुणे में कहीं पे मिलेगा आज की तारीख में जी। तो जी आप बोल रहे हैं कि आपके शॉप पर इतने सस्ते में, अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी पुणे में कहीं नहीं मिलेगा, पुणे में नहीं मिलेगा 25 रुपये में, माशाल्लाह। ठीक है, तो टुकड़े का भाव है ये मक्का टुकड़ा 29 रुपये 50 पैसे जी भाई, माशाल्लाह। ये भी अच्छा ऑफर है, ऑफर नहीं भाई, और ये जो है ना साल भर रेट्स रहेंगे, ऑफर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी होलसेल ही चालू किए जी, दाने का होलसेल ही चालू किया, आप स्टॉक भी देख सकते हैं, 8-10 टन का स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह एवरी टाइम प्रेजेंट रहेगा दाने का जी जी जी। पीछे स्टॉक दिख रहा है काफी जी भाई, तो ये ऑफर नहीं है दोस्तों, ये 12 महीने का मिलेगा आपको। जी, और बकरों वालों के लिए इजी हो गया, कम दाम होता है तो आप कम भी करा देंगे ना। ये जो है ना डेली फ्लक्चुएशन है भाई, अच्छा, दाना का जो मार्केट है डेली फ्लक्चुएट होता है, तो ये वो हिसाब से चलेगा जी। अभी कुछ वक्त तो चलेगा ना, जैसे आपके स्टॉक है ना अभी जैसे चार, मतलब जो भी है 5-6 दिन का स्टॉक उतना दिन चलेगा जी भाई। फिर दूसरा है जवे, अच्छा, गर्मी में साफ माल है, गर्मी के लिए तो बहुत रिक्वायरमेंट आती है भाई जव की जी जी भाई, बड़ा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह साइज बड़ा है। और एक मेरा एक लॉट आ रहा है, वो इससे बेटर है, इससे अच्छा है, इससे अच्छा इंशाल्लाह जी जी। हाँ, उसका भी रेट आप लोग देख के फिर तो जो कस्टमर देखिए होने वाला है, ये 37 रुपीज़ है, उसका भी सेम ही होने वाला है क्या बढ़ने लगे कुछ? कोशिश तो है मेरी इससे कम करने की, इससे कम रेट कितना कम करेंगे आप? फिर 1-2 रुपये कम होगा इंशाल्लाह, इससे 36 रुपये के आसपास जी भाई। तो ये जो सारे अनाज जो दिखा रहे हैं आप, ये कम से कम 50 किलो लेना पड़ेगा ना? जो भी गोनी का जो साइज है वो गोनी लेना पड़ेगा, अच्छा, जो की गोनी लेंगे तो 30 किलो की आती है, 30 किलो की गोनी आती है, 30 किलो 50 किलो जी। ठीक है, अगले चीज जी भाई, ये गोला जीरा हो गया, गोला जीरा डाइजेशन के लिए बेस्ट है तुम्हारा जी, डाइजेशन फैट गेन के लिए जी जी, बकरों के लिए काफ़ी फायदेमंद है भाई, लोगों को मैं खुद पर्सनली बोलूंगा ये खिलाया करो, अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये गर्मी के लिए बोल रहे हैं, गर्मी में और लोगों भी खिला सकते हैं, 12 महीने खिला सकते हो, ठंडा प्रोडक्ट है, गर्मी में तो बहुत बेस्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट जी भाई। जो और ये अगर खिलाएंगे तो जी, जो ये मक्का वगैरह हो जाता है।
इसका प्राइस है 45 रुपीज़ के जी। जी भाई ये चना अभी देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चना तो अपना काफ़ी टाइम से होलसेल भाव में ही चल रहा है जी। जी भाई चने की क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ नहीं चने की क्वालिटी अच्छी है। तो ये जो दाना छोटा रहता है वो बेहतर रहता है कि थोड़ा सा बकरे के लिए तो बारीक ही बेहतर माना जाता है। ओके ज़्यादा बड़ा तो नहीं जिस किसी को भिगा के खिलाना है वो भिगा के खिलाते भिगा के खिलाते और किसी को ऐसे ही डालना तो ऐसे डाल देता है। इसका प्राइस है 53 रुपीज़। 53 रुपीज़ भाई। ये कितनी गोनी आती है? ये 30 किलो की गोनी आती है। नहीं ये 50 किलो की गोनी किलो की आती है जी। ठीक है ये भाव नहीं मिलेंगे भाई कहाँ पे? ये कहाँ पर नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह नहीं। ओके ठीक है। फिर ये अपना कैटल फीड के भी अपन रखते हैं। कैटल का भी अच्छा माल जाता है अपना कैटल फीड। जी भाई जी ये तुम्हारा सरखी हो गया जी। सरखी तो बकरे वाले भी काफ़ी खिलाते हैं। कपास की खल है क्या? कपास खल बराबर जी जी। उसमें जिसमें ऑयल ये बकरों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अभी जो सरखी है ना मैं इसकी खास बात बताना चाहूँगा। अभी जो सरखी आती है ना जो लोग पहले खिलाते थे उसको लोग रात में भिगाते थे और सुबह खिलाते थे जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन ऐसी क्वालिटी लाए और ऐसे रेट में लाए कि ये क्वालिटी ऐसे में क्वालिटी खास बात ये है 20 मिनट पहले भिगाना है खिलाने से। सिर्फ 20 मिनट पहले? 20 मिनट पहले। अच्छा वो तो टाइम भी बचेगा। टाइम भी बचेगा क्वालिटी भी अच्छी रेट भी कम। हाँ तो आधे घंटे के अंदर हो सकता है माशाल्लाह। ये काफ़ी अच्छा है। 34 रुपीज़ kg है ये। 34 रुपीज़। ये कितने किलो की गोनी है? ये जो है ना 50 किलो की गोनी है। 50 किलो की गोनी है ये जी। ठीक है अभी शेंगदाना खल की बात करते हैं। शेंगदाना पेंट जी। काफी लोग इसको बोनविटा ही बोलते हैं। हाँ ये बोनविटा ही बोलते हैं। चॉकलेट वगैरह बोलते हैं। हाँ ये क्वालिटी देखो आप मस्त क्वालिटी है इसकी सिंगदाना पेंट की। जी 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 भाई ये जो है ना अपन 56 रुपीज़ रेट रखे इसका आप देख सकते हैं। 56 रुपीज़ के जी। जी जी जी। और ये एक्चुअली और बहुत फ़ायदेमंद है भाई। और आजकल मतलब ये जो टाइम है ना गर्मी का ये टाइम में बोलूँगा लोग पानी में डाल के पिलाए इसको। पानी में डाल के पिलाए बहुत स्पीड में पानी भी पीते हैं। ठंडी है? नहीं तासीर ठंडी नहीं है पानी ज्यादा खींचता है उससे। पानी ज्यादा खींचता है क्योंकि ये सिंगदाना है ना जी जी। एट द एंड तो सिंगदाना पसंद रहता है जानवर को। और बकरा पानी ज्यादा पिएगा तो फायदा ही फायदा होगा। जी भाई जी भाई पेटी फूलेंगी वगैरह जो भी है जी काफी जी जी काफी बकरे में चमक आती है वो फर्क भी पड़ता है जी भाई। अभी आप बात करें चना फूल। चना फूल यस छिलका चना छिलका चना ये पिछले वीडियो में बताया आपने यस यस ये भी इसकी भी काफी ज्यादा डिमांड आ रही है जी तो इसको भी लेकर आए। ओके ये कितने केजी की गोनी है? ये 25 kg का बैग आएगा। 25 kg का बैग है और 26 रुपये प्राइस। 26 रुपये प्राइस जी यस। इसका भी कहते हैं शॉर्ट हो गया है जी तो मिल भी नहीं रहा है मार्केट में जल्दी। और ये बकरे बहुत शौक से खाते हैं। शौक से खाते हैं यस। इसके बाद ये पैलेट से आयन में थोड़ा थोड़ा ये पैलेट्स जी। ये 35 रुपीज़ kg। 35 रुपीज़। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट बता सकते हैं आप? मोर कंपनी गोदरेज कंपनी है पैलेट्स। अच्छा अच्छा गोदरेज कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ब्रांडेड प्रोडक्ट है यस। तो ये कितने किलो की गोनी है पैलेट्स? 50 किलो। 50 किलो की। 50 किलो की गोनी है। 35 रुपीज़ kg है। 35 रुपीज़ kg। ओके ओके यस। ये गेहूँ भूसा है। गेहूँ भूसा जी। ये सरकी पेंट में मिला के खिलाते शायद? हाँ सरकी पेंट वगैरह में या कोई पानी में डाल के पिलाता है जी। ये 23 रुपीज़ kg यस जी। ये कितने किलो की गोनी आती है? ये 50 किलो की आती है। 50 किलो की आती है जी जी। और ये इसके फायदे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे भाइयों को पता ही होंगे यस। ये सरकी पेड़ में मिला के खिलाते हैं और कोई कोई ऐसा सूखा भी खिला देता है। सूखा भी खिलाता है कोई पत्ती में डाल के खिलाता है सबके अलग अलग नुस्खे जी जी। ये तुअर चुन्नी। तुअर चुन्नी हाँ 25 रुपीज़ kg। ये तुअर चुन्नी ज़्यादातर दिखने मिलती नहीं है यस। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे से कैटल में जाता है भाई। अच्छा ये कैटल में आता है मगर जो हमारे भाई है बकरे पालन करते हैं वो भी बकरे पालते हैं हाँ। तो वो भी खिलाते हैं बकरे पालने वाले मेंढे पालने वाले खिलाते हैं सरकी पेंड में डाल के ये भी खिलाते ना। हाँ ये तो डायरेक्ट पानी में मिक्स करके सीधा खिलाते हैं। मैं जब बकरे पालता था ना अभी मेरे पास अल्फा था जो मेरे अच्छा फर्स्ट गोट वॉल पर फोटो है उसका तो मैं ये पानी में थोड़ा सा भिगा कर अच्छा ऐसे लड्डू बनाकर खिलाता था उसको तो शौक से खाता था। शौक से क्योंकि ऐसे अगर डायरेक्ट खिलाओगे ना आप तो इंटेस्टाइन में स्टक वगैरह होता है उसके अलग डिसएडवांटेजेस है। यस यस बेस्ट है जी भाई। उसका प्राइस है 24 रुपीज़ kg। 25 रुपीज़ kg जी। अभी ये मकई चुन्नी दिखाता हूँ आपको। मकई चुन्नी भी लाया आपने? हाँ ये थोड़ी खत्म हो गई जी अभी स्टॉक आएगा इसका कल जी जी। इसका भी मकई है मकई है मका टुकड़ा है जी। मकई चुन्नी की भी लोग डिमांड करते हैं जी जी जी। और 25 रुपीज़ kg। और आपका तो काम ही है ना जो कस्टमर्स जो बोलते हैं यस यस वो आपको लाना ही है ना। कस्टमर फीडबैक लेते हैं जी जी वो हिसाब से ऑर्डर मंगाते हैं। तो आप जो कस्टमर को चाहिए वो आप लाएंगे तो ये आपको आपके पास आएंगे ना यस। वरना कस्टमर है तो हम है जी जी जी। जैसे कि तुअर पत्ती तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से लोग लेते हैं अपना तो हम लोग सोचे कि भाई दाने की भी होलसेलिंग स्टार्ट करें जी। और ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि फार्म्स वालों को काफ़ी फ़ायदा होगा ये चीज़ से जी। दाने की होलसेलिंग यहाँ से तो आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा आपको सब अंडर वन रूफ मिल जा रहा है बेस्ट रेट्स में बेस्ट क्वालिटी।
कोई टेंशन ही नहीं, एक ही शॉप पर आएंगे तो अलहमदुल्ला सारी चीजें लेकर जा सकते हैं और उनको भी, उनका भी टाइम की बचत होगी जी, टाइम बचेगा, पैसे भी बचेंगे ना भाई जी जी, एट द एंड पॉकेट मैटर करता है ना, पॉकेट मैटर करता है जी। और ये चना चुन्नी, ये चना चुन्नी है। अच्छा, चना चुन्नी और तुअर चुन्नी में क्या क्या अंतर रहता है? ये चने की रहती है, वो तुअर की चुन्नी रहती है, दोनों में अलग अलग दाल की चुन्नी रहती है, चना दाल और तुअर। और चने के तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटीन ज्यादा है, ये तो बकरे वाली भी काफी यूज करते हैं, वगैरह भी है ना चने में, जी जी प्रोटीन है उसमें, प्रोटीन। अगर जिस किसी को जैसे कि भिगा कर वगैरह खिलाने में दिक्कत होती है तो इसमें भी पानी मिक्स करके दे सकते हैं, दे सकते हैं, चने जी, चना चुन्नी में। ये सोयाबीन है, बेस्ट प्रोटीन आइटम जी जी। आज का भाव इसका 65 रुपीज़ पर केजी, पर केजी जी। ये थोड़ा सा हाई रहता है, हाई प्रोटीन भी है ना भाई, उसका रिजल्ट भी वैसा है जी। सोया उतना इजी टू डाइजेस्ट दाना नहीं है और रिजल्ट भी अच्छा है, काफी ज्यादा प्रोटीन तो है। कितनी मात्रा में देना चाहिए? जैसे कि किसी का बकरा 50 किलो का है, 50 किलो को तो मैं बोलूंगा 50 ग्राम ही देना चाहिए, 50 ग्राम देना चाहिए। तो ये हजम करने में थोड़ा सा लेट होता है ना, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन भी एक टाइम पे आप नहीं दे सकते ना। अच्छा, उसका इम्यून सिस्टम जितना डाइजेस्ट करता है उतने ही दे सकते हैं आप एक टाइम में। मतलब सिर्फ सोयाबीन ही नहीं देना आपको दाने में, और कुछ मतलब दूसरे चीज में, चार चना गेहूं मक्का वगैरह। अच्छा, कुछ उस अल्टरनेट उसके साथ में मिक्स करके आप देना चाहिए ना, ऐसा एक ही देंगे तो ये नहीं है जी जी। उसका क्या प्राइस बोले? 65 रुपीज ना, 65 रुपीज के जी, 65 रुपीज पर केजी। और ये मेथी दाना है, मेथी दाना भी डाइजेशन के लिए बेस्ट रहता है वो जी, और ठंडी के लिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका प्राइस क्या है मेथी दाने का? ये 85 रुपीज पर केजी, 85 रुपीज पर केजी जी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिखा दिए और प्राइस भी, आपने जैसे कहा कि आपके शॉप पर प्राइस कम मिलेगा आपको जी जी इंशाल्लाह, और साल भर मिलेगा, साल भर मिलेगा जी जी, साल भर मिलेगा। और जैसे कि आपने बताया कि जो जो प्राइस है तो ये गोनी के हिसाब में लेंगे तो सेम प्राइस में मिलेगा? हाँ, गोनी के हिसाब में लेंगे तो जो प्राइस बोर्ड पर लिखा है ये मिलेगा आपको, अगर लूज लेंगे तो 1-2 रुपया बढ़ जाएगा क्वांटिटी के हिसाब से जी जी। और अगर ये जो आप होलसेल में ले सकते हैं, 1 टन 2 टन वगैरह भी ले सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माल अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, माल अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारा माल है जी जी। तो अगर ये शॉप पर किसी को आना है जी तो लैंडमार्क क्या है नजदीक इसका? जो है कोंडवा में वेलकम हॉल के नियर बाय, कॉल करें, गूगल मैप पर रजिस्टर है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं जी। ठीक है जी, तो मैं नंबर दे दूंगा इस पर, आबरा भाई जी, भाई आबरा भाई का नंबर दे दो। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा ये वीडियो के थ्रू, हम लोग थैंक्स करते हैं वाइकी गोट लवर्स को, जो हम लोग के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े और काफ़ी अच्छा काम करते, काफ़ी डाउन टू अर्थ आदमी है जी जी। अभी आपकी मोहब्बत है वो जो आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, हमारा तो सबके साथ में ऐसे ही रहता है कि जो भी हमारे भाई हमसे मोहब्बत करते बुलाते तो हम जाते जी जी जी। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, जज़ाकअल्लाह भाई। दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे ग्रेन्स देखे, जो आयन भाई और अबरा भाई ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किए कि क्या खिलाएंगे तो क्या फ़ायदे होंगे। तो ये अगर आपको लेने तो ज़रूर AS एग्रो पर विजिट करें, और ऐसे ही गोट के रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है तो ज़रूर हमारे चैनल YK गोट लवर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।